हेलो दोस्त, मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर आरबी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम आप सबका स्वागत करते हैं बंधु। आज मैं आपके लिए कुछ मदद यानी हेल्प करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की अपनी दुकान हो और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप अच्छे मैकेनिक हो और आप चाह रहे हैं कि आपका अपना दुकान हो, लेकिन गाइडलाइंस नहीं रहने की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है, तो आज खास कर करके हम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ता है वो आपको हम आज डिटेल्स बतलाएंगे। आप स्टार्टिंग में बहुत ही कम पूंजी से आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, और ख़ास कर करके कुछ पार्ट्स जो होते हैं जो आपका रिपेयर करने में जो मिलीफायर वगैरह में लगते हैं, आज मैं उसी पर डिटेल्स आपको हम बताएंगे कि अगर आप बिजनेस स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो कौन कौन से पार्ट्स स्टार्टिंग में आप रख सकते हो, ताकि आपको पूंजी जो है ज़्यादा जो है से कि किसी चीज़ में आप फंसा हुआ नहीं रहे, और ज़्यादा इन्वेस्ट दिन तक मत होता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आपकी पूंजी उसी चीज़ में इन्वेस्ट हो जो कि आप बेनिफिट दे। तो हम यही चाहेंगे कि आप वैसे पार्ट्स खरीदें जो कि आपका उपयोग हो। तो हम आज जो भी है पार्ट्स जो कॉमन्स होते हैं, आज उसी पर डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग कर सकते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को जो अभी आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज कुछ डिटेल्स हम बतलाएंगे कि कौन से पार्ट्स हैं और किस तरह के आपको पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेंगे, उसका मैं लिस्ट भी आपको दूंगा और कुछ जानकारी भी अभी हम बतलाएंगे कि कौन से पार्ट्स किस तरह से आपको लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम बतलाएंगे आपको, ये आपका देखिए 5200 ट्रांजिस्टर है और इसमें 1943 आपको 5200 बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट में आप रिपेयरिंग करने के लिए ट्रांजिस्टर का, अगर हम अभी आपका मेल बतला रहे हैं कि अगर ट्रांजिस्टर आप लेना चाहेंगे तो कौन से अच्छी क्वालिटी का ट्रांजिस्टर या आप मॉस्फेट ट्रांजिस्टर लेंगे, ताकि सेट में किसी भी तरह का शिकायत न हो, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह का मॉस्फेट ट्रांजिस्टर आया हुआ है। तो आप ऐसा करेंगे कि जो भी मॉस्फेट ट्रांजिस्टर अगर आपको अच्छी क्वालिटी का हो वही आप मार्केट से लेंगे। तो इसमें आपको दो तरह का लेना है, एक आपको जो है 5200 आपको लेनी है और दूसरा जो है 1943 है। और इसके बाद आपको फिर जो है अगर मेटल में लेते हैं तो आपका जो है मेटल में आप 3773 लें, ताकि काफ़ी आपको सहायता होगा। तो आपका ये हो गया जो है ट्रांजिस्टर का विस्तार। और उसमें आपका देखिए कुछ ऐसे भी ट्रांजिस्टर हैं जो कि आपको हम डिटेल्स बतलाएंगे जो आप देख रहे हैं, जैसे 940 है ना, और उसके बाद जो है से कि 52 है ना, ये आपका जो है 62 है। तो इसका लिस्ट भी हम बतलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स हम आपको बतलाते हैं कुछ जो पार्ट्स का जरूरत पड़ेंगे। तो इस तरह का हो गया आपका, देखिए प्रीसेट की ज़रूरत पड़ेंगे, ये प्रीसेट इस तरह का आपका जो है से कि आउटपुट ऑडियो ड्राइवर में जैसे कि आपका ऑडियो ड्राइवर में इस तरह का आपका यूज होता है, और ये भी प्रीसेट है जो कि आपको जो है से कि यूज होने वाले हैं। तो ये सब का नंबर हम बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ डिटेल्स हम बतला रहे हैं। और ये देखिए स्लाइड वॉल्यूम है, स्लाइड वीसी बोलते हैं। तो इस तरह का दो तरह का आपको जो है से कि इसमें आता है, ये ज़रूरी है इस तरह का है ना, और एक ये साइज है जो आपको जो है से कि ज़रूरी होता है, देखिए साइज का है। तो इस तरह का आपको लेने होंगे। और इसके बाद कुछ पार्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं इस तरह का जो है से कि नोब होते हैं, तो कुछ नोब का मेल है और इस तरह का जो है से कि आपको कुछ माइक्स से संबंधित पार्ट्स हैं, ये आपका जॉइंटर का भी ज़रूरत पड़ता है, और ये माइक पिन है, सिंगल और डबल है, और
इस तरह का देखिए स्टीरियो पिन भी का आपका ज़रूरत पड़ेगा, इसमें भी देखिए स्टीरियो पिन आता है, तो इस तरह का आपको ज़रूरत पड़ेगा। और ये रेक्टिफायर देखिए 3510 है, तो ये आपको ज़रूरी है, काफ़ी ये डैमेज होता है 250 वाट सेट में, ज़्यादातर लगभग ये जो है ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर। SLR पिन है, तो इस तरह का आपको मार्केट में आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए इस तरह का जो है जैक सॉकेट है, ये लेनी होगी। और इस तरह का है, दो तरह का लगा हुआ रहता है सेट में। और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए आपका सर्किट ब्रेकर है। तीसरा का आपको सर्किट ब्रेकर आता है तो कई एक ढंग का आता है, इसका नंबर अलग अलग होते हैं, तो आपको आवश्यकता के अनुसार सारे में लेना होगा। और इस तरह का 9 वोल्ट का बैटरी भी आता है, आवश्यकता पड़ेगा आपको। और ये देखिए जो है आप जैसे कि ये आपका स्पीकर सॉकेट जो होता है उसमें ये आप खोसने का जो है जैक है, तो इस तरह का आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हैं है ना, तो इस तरह का आपको रखने होंगे। और कुछ टर्मिनल है जो स्पीकर पॉइंट पर जो है, जैसे कि आपका ये जॉइंट जहाँ पर होता है वहाँ के लिए आवश्यकता पड़ता है। कुछ जो है ये आपका स्टूडियो मास्टर मशीन और या तो स्टेंजर मशीन में इस तरह का सॉकेट लगता है, तो आप ऐसा ले लेंगे। और उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पर जो है इस तरह का आउटपुट सॉकेट होता है, तो इस ये आपका जरूरत पड़ेगा। इसमें आपका जैसे देखिए अभी ये आपको तीन नट लगा हुआ है, इसमें 4 नट का भी आता है, और 3 नट में साइज छोटा भी होता है कुछ, तो आप ये 250 वाट और 500 वाट दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आप जब लेंगे तो 250 वाट और 500 वाट बोलेंगे तो ये साइज जो है आपको छोटा बड़ा में रहेगा, तो ये ध्यान देंगे। और इस तरह का देखिए इसमें रेड भी आपको आता है, तो ये आपको देखना होगा। और ये देखिए जो है कि लोकल सेट में भी रहता है, देखिए चार सॉकेट आपका जो है से 4 नट वाला है, तो इसमें जो है से कि आपका जो है से कि साइज कुछ बड़ा साइज में आपको दिखने में तो लग ही रहा है, तो इस ढंग का आप ले लेंगे, तो ये पहचान आपका है। 4 गो 3 गो वाला में देखिए लिए। और उसके बाद जो है इस तरह का ऑन ऑफ स्विच आपको रखने होंगे, जो 250 वाट सेट में या 500 वाट सेट में इस तरह का स्विच आपको लगता है। और इस तरह का भी स्विच आपको आपको ज़रूरत पड़ेंगे, ये आपका स्विच जो है और एक स्विच ये है, तो इस तरह का जो है से कि ये मिक्सर वगैरह में स्विच का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो है से आपको सामान आपको रखने होंगे मेल। और कुछ कंडेंसर देखिए इस तरह का है, तो इस सारे कंडेंसर का नंबर हम बतलाएंगे, तो ये सब इम्पोर्टेंट कंडेंसर है जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगे। और कुछ जो है ये आपका वॉल्यूम है, तो ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम, इसमें देखिए आपको दो तरह का वॉल्यूम लेना होगा, मोटा बेस का है और एक देखिए आपको पतला बेस का है, तो ये आपको दोनों साइज का रखना होगा क्योंकि एक सरहा आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसमें कुछ नंबर वगैरह भी है, तो आपको हम जैसे मान लिया पतला बेस में आपको 10K है, 22K है और 100K है और 47K, इस तरह का जो है सर 4 गो आपको जो है सके अहम जरूरी है। इसी तरह सेम इसमें भी आपको लेना होगा। और इसमें आपको जो है देखिए आपका सेम जो है ये अहूजा सेट में आपको इस तरह से लगा हुआ है रहता है, इस तरह का आप जो है वॉल्यूम ले लेंगे, मोटा बेस में आता है, तो इसमें जो है से कि 10K और 100K बहुत ज़रूरी होता है जो सेट में लग करके आता है। और इस तरह का देखिए आपका डायोड रखने होंगे, 4007 डायोड है और 54 वाट है। और इस तरह का कंडेंसर जो हमने डिटेल से बतलाए हैं, तो इस तरह का कंडेंसर देखिए आपका है 15000 mAh 50 वोल्ट, तो इस तरह का कंडेंसर रखने होंगे। और इस तरह का देखिए सब PF है ना, तो ये सब PF आपको रखने होंगे। और कुछ रेजिस्टेंस वगैरह है, ये सारे हम नंबर हम अभी इसका डिटेल्स हम दे देंगे। तो इस तरह का जो है कुछ रेजिस्टेंस जो मेल के हैं जो आपको बहुत ज़रूरी होंगे। और जो पार्ट्स होते हैं आपका इसमें जो है देखिए इस तरह का जो है पार्ट्स वगैरह हैं, हम इसका डिटेल्स बता देंगे, लिख करके दे देंगे, ताकि इतना याद रखना तो बहुत मुश्किल है। अब आते हैं कुछ रेजिस्टेंस वगैरह में, तो आपका देखिए जैसे बहुत सा मशीन में है रेजिस्टेंस जो है अलग अलग ढंग का रहता, समझ में नहीं आता, तो हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में भी आपको क्लियर कर देंगे। जैसे कभी कभी मार्केट में आप जो खोजेंगे वो नहीं मिलेगा तो दिक्कत होता है। देखिए आपको ये आपका जो है ई 33.5 वाट का रेजिस्टेंस आपको एम्पलीफायर रिपेयर करने में आपको ज़रूरत पड़ेगा। और
इसके बाद जो है आपका देखिए यहाँ पर मैंने 5 वाट जो है रेजिस्टेंस को लिया है, 0 और 5 है। इसके जगह पर हमने दूसरा भी नंबर लिखा है, चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो आप उसका मैचिंग स्थान पर आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हो R5.0K, पानी वहाँ पर सेम काम करेगा, और फिर नीचे उसी का लिखा हुआ ये 33 है ना 5 वाट, तो आप इस तरह उसके स्थान पर एवज में आप लगा सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो इस तरह का जो है आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये रेजिस्टेंस का जो है वैल्यू आपको दिखलाया है, ये आप ले लेंगे, ये सब सारे रेजिस्टेंस जो है आपको जिस काम आएंगे। देखिए इस तरह का रेजिस्टेंस आप इसे कंपनी से ला करके इस तरह का आपको रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे, और तो हो सकता है कि सेम नंबर ना मिले, तो इस तरह का हमने बता दिया है, आप ले लेंगे मेल तो आप काम करने में काफ़ी सुविधा होगा। तो ये तो रेजिस्टेंस का मेल हो गया कि आप कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे। तो अब हम आपको जो है इसका लिस्ट हम बताते हैं, आप मेरे वीडियो से आप लिस्ट बना लेंगे, जैसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स आपको लेने होंगे वो आपको हम बतला रहे हैं, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर में आइए, तो ट्रांजिस्टर में आपको लेना होगा सबसे पहले आप 5200 रख ले लेंगे, 1943 और 3773, उसके बाद रेजिस्टेंस में आप ले लेंगे जैसे हमने बतलाया था, नमूना में दिखला दिया था, फिर भी एक बार रिपीट मैं कर दूंगा आपको तो अच्छा होगा। 5 वाट 0.3 ओम्स आपको लेनी है, और उसके बाद आप रेजिस्टेंस में आ जाइए तो 680 ओम 2 वाट में रेजिस्टेंस लेनी है, जो देखिए हमने यहाँ पर रखा है कुछ रेजिस्टेंस का ये सब मेल जो है आपको जरूरत पड़ेंगे, तो मैं लिस्ट बतला रहा हूँ उस हिसाब से आप नोट कर लेंगे। 100 ओम्स 1 वाट और जेनर डायोड है D4740, उसके बाद 4733 D12 वोल्ट जेनर, और उसके बाद फिर आइए ट्रांजिस्टर में FR607D 5408 डायोड है, चार्जर 7 डायोड, जेनर लेना है IN4744D 10 ओम 1 वाट रेजिस्टेंस से 12K 1 वाट ये रेजिस्टेंस है, B667 आपको लेनी है, 470 ओम का रेजिस्टेंस आपको लेनी है क्वार्टर में है, 8.2K रेजिस्टेंस क्वार्टर में है, उसके बाद फिर आप चाहेंगे तो आप ये मैंने 3510 की जगह पर जो है आप KVC आप 2504 भी आप ले सकते हो। उसके बाद एनी 5532 KSP 42 KSP 92 C4793 A1837 DC 549 B647 A TRF 640 N 10 ओम हाफ वाट 12 ओम हाफ वाट IRF 9540 EIC को बोलते हैं 540 भी, ठीक है। KSC 340 KSC 350 आपको ये सब जो है ट्रांजिस्टर मेल के हैं जो कि आप एम्पलीफायर में काम करेंगे, तो स्टूडियो मास्टर से संबंधित इसमें पार्ट्स मैंने बताया है जो कि आप कर सकते हैं, और
लगभग जो है सो मैंने कुछ और पार्ट्स और पीएफ के बारे में भी जानकारी आपको हम बता दें। कुछ पीएफ आपको इसे लेने होंगे जैसे 4.7 है ना, 4.7 एमएफडी 250 वोल्ट या 2.25 उसके बाद 2.25 जे या 225 जे है ना 400 वोल्ट या 752 जे 1600 वोल्ट, ये सब आपको रखने होंगे। 0.47 के 400 वोल्ट, 335 जे 400 वोल्ट, 153 जे 1600 वोल्ट के 3 में आपको रखना है, 103 जे 2.0 के भी में आपको रखना है, 4.7 आपको 200 वोल्ट में रखना है, 152 1 के भी में रखना है और 471 2 के भी में है, 105 आपको जे 400 वोल्ट में है और 479 जे 400 वोल्ट में है। तो इस तरह से आपको पीएफ का ये जो आपको मैंने मेल बतलाया ये आपको रखने होंगे, इस तरह का पीएफ आते हैं तो ये सब आपको काम आएंगे तो आपको रखने होंगे। इसके बाद आपको कुछ प्रीशेट का हम नंबर बतला रहे हैं, प्रीशेट का आपको रखने होंगे जिसका हम नंबर बतला रहे हैं आप देख लेंगे। तो ये प्रीशेट आपका जो है रखने होंगे जिसका नंबर है आपका 3200 है ना, 3200 है। और इसके बाद आपको रखने होंगे है ना, कुछ नंबर इसका समझ में नहीं आ रहा है, हम डिक्लेयर आपको करके दिखा देते हैं थोड़ा सा, 105 है ना, 105 आपका 105 नंबर का आपका ये प्रीशेट रखनी होंगी। और ये आपका स्लाइडिंग वॉल्यूम है, आपको छोटा वाला में आपको रखने होंगे 22 के है ना, 22 के रखनी होंगी और बड़े वाले में आपको जो है 10 के छोटा और बड़ा दोनों रखने होंगे, इसमें भी बड़ा और छोटा दोनों रखने होंगे, ये आपके मेल के लिए जरूरी होंगे। और कुछ जो है कंडेंसर आपको अहम होंगे शेष जिसमें कुछ नंबर है जो हम बतलाते हैं, 10 mFd 250 वोल्ट और 220 mFd 63 वोल्ट और आपके होंगे 1000 mFd 25 वोल्ट। तो ये आपका जो है मुख्य रूप से जो इतने पार्ट्स जो है आपको स्टार्टिंग में रखने होंगे। और जो है हमने मोटा मोटी आपका जो है लिस्ट में मैंने बतला दिया है, अगर इतना आप सामान ले लेंगे तो आप खुद की दुकान खुद की बिजनेस आप कर सकते हो। और इसमें कुछ और नंबर हमें बताना भूल गया था, इसके बाद आप ले लेंगे 15030 और 15031 है ना, इसके बाद आपका 540 है ना, 540 ले लेंगे, 2330 भी कभी कभी कहीं पर रहता है तो आप ले लेंगे तो ज्यादा रहेगा, कभी काम आ ही जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने लिस्ट में तो कंस्ट्रक्ट हमने बता दिया है। और उसके बाद जो है कि 4493 आपको ले लेना है, ये सब मेल है। और मुख्य रूप से जो है आपको हमने पासवर्ड BD140 है, BD140 से आप ले लेंगे। तो इस तरह से लगभग आपको जो है मेल इतना जरूरी है ताकि आप किसी भी तरह का जो है एम्पलीफायर को आप रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी फिर आपको गाइडलाइंस के लिए कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट से बातचीत कर सकते हैं, फिर आपको विशेष रूप में हम बता सकते हैं। तो हमें यकीन है कि आपको इससे काफ़ी सुविधा मिलेगा आपको बिजनेस करने में, आपको दुकान कोई भी आप जैसे अगर जिस तरह का आप चाहते हैं करना
तो हमारे ख्याल से है कि आप इतना से आप बिल्कुल आसानी से आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमें यकीन है कि आपके वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लोगों को आप बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर अगले वीडियो में आपको हम इससे विशेष रूप में कुछ जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।